Hello my lovely students, now today I am going to continue the chapter number 11 according to a new book of NCERT, which is areas related to circles. So today we will solve question number 7, but before getting started, if you didn't watch my previous videos of question number 1 to 6, then I request you watch those videos first, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो सकें. एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ सर्कल. ठीक है, दिस इज आर सर्कल. एंड हमें इससे पहले, हमने प्रीवियस कई क्लासेस में ये चीज़ अच्छे से समझ ली है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, या माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट क्या होता है. कभी भी एक सर्कल में जो एक कोड होती है, यानी सपोज दिस इज आ कोड. ठीक है, ये हमारी कोड है. इस कोड ने क्या किया, एक सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सो स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल क्या कहलाता है, ये हमारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा. एंड द बिग पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. ओके, सो इसका सेंटर पॉइंट हम शो करेंगे. दिस इज़ आ सेंटर पॉइंट ओ. एंड सेंटर पॉइंट से कोड को ज्वाइन करते हुए टू रेडियस को हम टू रेडियस के थ्रू अ ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. ओ ए बी हमारा ट्राइंगल हो जाएगा. एंड रेडियस कितना गिवेन है, 12 सेंटीमीटर रेडियस गिवेन है. ठीक है, जो कि एज अ साइड ऑफ ट्राइंगल वर्क करेगी. यहाँ पर जो एंगल गिवेन है वो 120 डिग्री एंगल गिवेन है. सो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ए पी बी, ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है. सपोज मैं इसको येलो कलर से कर दे. सो सबसे पहले हम ओ पी बी यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करेंगे. दिस येलो कलर शोज दैट दिस इज अ माइनर सेक्टर. सो ये हमारा माइनर सेक्टर ओ ए पी बी हो जाएगा. देन उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल कर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से माइनस कर देंगे. सपोज ये ट्राइंगल को मैंने रेड कलर से शो कर दिया है, देन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, या येलो पार्ट ऑफ द सर्कल क्या कहलाएगा, हमारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवेन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सो गिवेन है हमारा रेडियस गिवेन है 12 सेंटीमीटर. एंड थीटा यानी एंगल गिवेन है हमारा 120 डिग्री का, ये. ठीक है, देन हमें पाई की जगह 3.14 ही यूज़ करनी है, 3.14 यूज़ करनी है. एंड जहाँ पे भी रूट थ्री होगा वहाँ पर 1.73 को यूज़ करना है. सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी को फाइंड आउट कर लेते हैं. सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी फॉर्मूला होगा हमारा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना गिवन है यहाँ पर, 120 गिवन है. एंड 360 डिवाइड में पाई की जगह 3.14 रखेंगे. एंड रेडियस हमारा 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर गिवन है. सो यहाँ पर हम थोड़ा इसको कैंसिल करेंगे. ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. 12 1 जा 12 3 जा 36 डेसिमल हटाएंगे एंड डिनोमिनेटर में 20 शो करेंगे. देन उसके बाद हम 12 और 3 को कैंसिल करेंगे. 3 1 जा 3 3 4 जा 12. सो 314 इंटू 4 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, डिवाइड में 100. सो सबसे पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे. 314 इंटू 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय में 100. सो हम यहाँ पर 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से. 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, 8 एकम 8, 9 10 11, 1 हासिल, 8 एकम 8 16, 8 3 24 और 1 25 इंटू 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12. सो हमारा यहाँ पर एडिंग करने के बाद 2 6 7 5 10
टू टू फाइव एंड वन, सो हमारा न्यूमरेटर में 150.70 पॉइंट लगा देंगे हम टू डिजिट के बाद, तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी ओ ए पी बी, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे ओ ए बी। बस यहीं पर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में जितना भी हमने अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा है उसमें या तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और सिंपली हम उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर ये 120 डिग्री गिवन है, सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग शो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई किसी भी सर्कल में एक कोर्ड में सेंटर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। मीन्स कोर्ड पर अगर सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कराई जाती है तो वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की एंगल बनाती है। देन उसके बाद कोर्ड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर मैं इसको यहाँ डी नाम दे दूँ, ओ डी हमारी लाइन हो जाएगी, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी ए डी और डी बी को, ठीक है। सो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर अलग सा बना लेते ताकि और क्लियर हमें समझ में आए। सपोज़ ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा। इस ट्राइंगल में हम नेमिंग कर देते हैं, क्या नेमिंग थी, ए बी हमारी कोर्ड थी, ओ हमारा था, हमने ओ से डी ओ डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, ठीक है। क्योंकि जब भी हम एक कोर्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोर्ड को इक्वल पार्ट्स में सेंटर पॉइंट से ड्रॉ कराई थी हमने कोर्ड पर, ठीक है, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो यहाँ पर हमारा 120 डिग्री का एंगल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। सपोज़ मैं बात करूँ ओ डी बी में, सो ओ डी बी हमारा क्या हो रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये देखिए 90 डिग्री का ये और ये राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 60 एंड 90, 60 डिग्री और 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। सब तो हमें पता है कि जो राइटिंग जो हमारा ट्राइंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है, 180 में से टू एंगल्स जो है उन टू एंगल्स का सम 150 है। सो थर्ड वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, हम माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमारा थर्ड वाला एंगल यानी एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और जो साइड्स ये वाली गिवेन है वो 12 सेंटीमीटर गिवेन है, ठीक है। बस मैंने क्वेश्चन कि जो फिगर थोड़ा सा सेपरेट कर लिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये वाला पार्ट यानी परपेंडिकुलर निकालना है और ये वाला पार्ट पूरा निकालना है। सो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, ये वाला पार्ट निकालेंगे, देन उसके बाद ये वाला पार्ट निकालेंगे। जब ये पार्ट हमारा आ जाएगा तो हम इसका जस्ट डबल कर देंगे तो ये पूरा वाला साइड पता चल जाएगी। सो सबसे पहले हम ओ डी फाइंड करेंगे। ओ डी फाइंड आउट करने के लिए आपने मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ट्रिगो चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप ट्रिगोमेट्री रेशियोज़, उसमें साइन एंड कॉस की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले एंगल बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस में हमने क्या करा है, 60 प्लस में 90, दोनों एंगलों को माइनस करा तो एंगल बी हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ डी बी, ओ डी बी में हम यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ बी डी, ठीक है, ओ बी डी में हम साइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन बी से ये परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन बी कितने, बी की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री की बहन है, परपेंडिकुलर हमें ओ डी फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस हमारा 12। देन उसके बाद हमें साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 इज इक्वल टू ओ डी अपॉन में 12। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × OD इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ओ डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, मीन्स हाइट जो है हमारी
ओडी वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हम डी बी फाइंड आउट करेंगे। डी बी फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहीं पे हम कर लेते हैं ठीक है लाइन करके। सो कॉस बी इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस बी की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री, बेस हमारा कितना है डी बी शो करेंगे, हाइपोटेनियस 12 है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू डी बी अपॉन में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 × dB इज इक्वल टू 12 × √3। देन उसके बाद हमारा 2 मल्टीप्लाई में है LHS से RHS में जाकर वो हमारा डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगी। तो 2 से 12 को कैंसिल करेंगे, सो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो 6√3 हमारा डी बी आ जाएगा। सो मैंने अभी बताया था कि कोड पर जब भी सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कराई जाती है तो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर डी बी की वैल्यू 6√3 आई है तो ये भी 6√3 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 12√3 हो जाएगा। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ डी बी ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू 2, डी बी की वैल्यू 6√3 आ गई थी, सो ए बी इज इक्वल टू 6 × 12√3 cm² आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे रूट थ्री की वैल्यू पुट करनी है, सो हम यहाँ पर √3 की वैल्यू या तो हम आगे कर सकते हैं या यहीं पे ही पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.73 थी ठीक है, सो हम आगे कर लेंगे इसको, हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। सो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर 1/2 ये पूरा बेस हो जाएगा जो 12√3 आ गया, और ये हमारी हाइट हो जाएगी जो कि हमारी आई क्या है 6 आई थी ठीक है। सो हम पुट कर देंगे यहाँ पर, सो 1/2 बेस हमारा आया है 12√3 × हाइट हमारी आई थी 6, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6√3 × 6 cm². 6 × 6 = 36√3 cm². सो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 1.73। सो मैं हम कभी भी सॉल्यूशन में सॉल्व करते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त कभी भी मैं डेसिमल को कंसीडर नहीं करती, आप भी मत करिए, ज़्यादा इजी हो जाता है ठीक है। देन उसके बाद फाइनल आंसर में हम डेसिमल शो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 173 को 36 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 6 × 3 = 18, 1 + 8 = 6, 7 = 42 और 1 + 43 = 3, 4 + 8 = 6, 4 = 10 × 3 = 9, 3 + 7 = 21 का 1 × 2 = 3, 3 + 3 = 5, 8 + 9 = 12, 1 + 8 = 1, 5 + 1 = 6। सो हमारे यहाँ पर आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो आंसर आया है वो आया है हमारा 6228 ठीक है। सो हम यहाँ पर 6228 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे, सो हमारा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। अब हम माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का हमारा आंसर क्या आया था यहाँ पे हम चेक कर लेते, 150.72 cm² एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का 62.28 cm² हम माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पे 62.28 ठीक है। 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, एंड 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, एंड 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। सो हमारा आंसर विल बी
88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा माइनस सेगमेंट है। ओके,